नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की कंपैरिजन वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ अर्टिगा एंड स्कॉर्पियो को। अर्टिगा जो कि एक एमपीवी है, वहीं स्कॉर्पियो एक 7 सीटर एसयूवी है, लेकिन फिर भी मैं इनका कंपैरिजन क्यों बना रहा हूँ, ये ऑन डिमांड वीडियो है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि मैं अर्टिगा लूँ या फिर स्कॉर्पियो लूँ, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। एंड कब आपको अर्टिगा लेनी चाहिए, कब आपको स्कॉर्पियो के ऊपर जाना चाहिए, कितना आपको प्राइजेस में डिफरेंस देखने में, एंड किस हद तक 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा एक 7 सीटर एसयूवी स्कॉर्पियो को किस हद तक टक्कर देने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की प्राइजेस के बारे में। अर्टिगा की बात करें तो इसका हमने ZXi प्लस वेरिएंट लिया है जो कि टॉप एंड मॉडल है, 11.09 लाख रुपीज कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी न्यू दिल्ली के हिसाब से। वहीं स्कॉर्पियो की बात करें तो हमने इसका बेस वेरिएंट लिया है S3 प्लस वेरिएंट जो कि प्राइस करता है 15.22 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी न्यू दिल्ली के हिसाब से। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं इनके डिफरेंस की, प्राइस डिफरेंस की, तो यहां पर आप लोगों को 4,13,000 रुपए का, जिसमें अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में अगर जाते हैं काफी अच्छी कंडीशन की एक छोटी कार भी आ जाएगी। तो इतना पैसा लगाना आपको स्कॉर्पियो के ऊपर जरूरी है या फिर इतना पैसा बचाकर आप अर्टिगा के ऊपर जाएं, इन दोनों में से ही आपको कौन सी कार कब लेनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको सारा क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में अलग अलग इंजन देखने मिलते हैं। अर्टिगा जहां पर अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल में मौजूद है, वहीं पर स्कॉर्पियो में सिर्फ आपको डीजल इंजन देखने मिलता है। अर्टिगा की बात करें तो इसमें आपको K15 स्मार्ट हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि 103 bhp पावरफुल 138 nm टॉर्क की है। वहीं 19.01 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इंजन आपको क्लेम करके दे देता है। स्कॉर्पियो की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन देखने मिलता है जो कि 119 bhp पावरफुल एंड 280 nm टॉर्क की है एंड 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इंजन आपको क्लेम करके दे देता है। ड्राइव ट्रेन्स की बात करूं तो अर्टिगा एक फ्रंट व्हील ड्राइव एमपीवी है जबकि स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव एसयूवी है। मैनुअल 5 गियर्स आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाते हैं। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो नो डाउट आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो कहीं ज्यादा पावरफुल पंची लगने वाली है अर्टिगा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका डीजल इंजन काफी पावरफुल है। टर्बोचार्ज डीजल इंजन की बात करूं तो यह 1500 आरपीएम से लेकर 4500 आरपीएम तक का टर्बो पुल देता है एंड आपको 280 nm का जो टॉर्क है वो प्रॉपरली फील होता है। महिंद्रा की एक खास बात है कि इनकी कार्स का परफॉर्मेंस आप ऑन पेपर बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, वैसा ही स्कॉर्पियो के साथ है। स्कॉर्पियो की बात करें तो जब आप इसको चलाते हैं इसका पावरफुल इंजन आपको काफी इंप्रेस करता है एंड पावर की आपको एज सच कमी नहीं लगने वाली। अगर मैं बात करूं अर्टिगा की तो इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, ना ही ज्यादा पावरफुल है ना ही ज्यादा अंडर पावर्ड है, आपको लीनियर पावर डिलीवरी देगा। लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्टली कंपैरिजन स्कॉर्पियो के साथ करता हूं तो आपको अर्टिगा में जो पेट्रोल इंजन दिया गया है वो उतना ज्यादा आपको मजा नहीं देने वाला है जितना मजा आपको स्कॉर्पियो को चलाने में आएगा। अर्टिगा की बात करूं तो इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ है, साइलेंट है, रिफाइंड है स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में, आपको काफी लीनियर पावर डिलीवरी देता है एंड ऐसा कोई टर्बो पुल आपको पंची फील नहीं देने वाला। आपको चलाने में जरूर मजा आएगा लेकिन स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं आने वाला। स्कॉर्पियो की बात करें तो इसमें जो आपको बॉडी रोल देखने मिलता है, नोज डाइव देखने मिलता है, वो काफी लोगों को पसंद भी आता है एंड काफी लोगों को नहीं भी आता है। वहीं अगर अर्टिगा की बात करें तो आपको काफी प्लांटेड देखने मिलती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो कंफर्ट लेवल आपको स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में काफी अच्छा देखने मिल जाता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। वहीं अगर मैनुवरेबिलिटी की बात करें, कॉर्नरिंग की बात करें, तो जितना कॉन्फिडेंस आप अर्टिगा से कॉर्नरिंग कर सकते हैं उतना कॉन्फिडेंस आपको स्कॉर्पियो में नहीं आता क्योंकि उसमें बॉडी रोल काफी ज्यादा है। अर्टिगा की बात करें तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफी एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है हाई स्पीड्स पर, साथ ही साथ ट्रैफिक सिचुएशंस में। वहीं स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग फीडबैक उतना ज्यादा बेटर नहीं है उसके हाई ग्राउंड क्लियरेंस के कारण जितना अर्टिगा में देखने मिलता है। पावरफुल इंजन का एडवांटेज जो है स्कॉर्पियो में जाता है, लेकिन एक अच्छा इंजन जो कि आपको स्कॉर्पियो के अलावा अर्टिगा में भी देखने मिलता है लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। कंफर्ट लेवल है, राइड क्वालिटी एंड जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो अर्टिगा में बेहतर देखने मिलती है स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। चलिए अब ये तो पता चल गया किसको चलाने में कितना मजा आता है, अब बात कर लेते हैं कि किसमें आपको कितना अच्छा स्पेस देखने मिलता है। अब बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की। तो ओवरऑल डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अर्टिगा एक 7 सीटर एमपीवी है जबकि स्कॉर्पियो एक 7 सीटर एसयूवी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पेस का जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको स्कॉर्पियो में बेटर देखने मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट रेयर थर्ड रो सीट में 2 सीट्स देखने मिलती है जिसमें आप काफी कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं अर्टिगा में दी गई रेयर थर्ड रो के कंपैरिजन में। क्योंकि रेयर थर्ड रो की बात करें अर्टिगा में तो वहां पर आपको लेग रूम के साथ साथ हेडरूम की काफी समस्या होती है एंड अगर आप अडल्ट्स को बैठाना चाहें तो वो इम्पॉसिबल है। वहीं स्कॉर्पियो की बात करें तो अडल्ट्स भी रेयर थर्ड रो की फ्रंट फेसिंग
सीट्स में बैठ सकते हैं वो भी कंफर्टेबल तरीके से, जबकि अर्टिगा में उतने कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठ सकते। फाइव एडल्ट्स की बात करें तो स्कॉर्पियो में काफी अच्छे तरीके से मिड रोड पे थ्री एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं सेकंड रो में। अर्टिगा में सेकंड रो में टू एडल्ट्स के साथ साथ एक बच्चा बैठ सकता है। तीन एडल्ट्स को बैठना अगर चाहें तो उतना ज्यादा कुछ जगह आपको नहीं देखने मिलती, काफी अनकंफर्टेबल फील होगा आपको। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो स्कॉर्पियो में आपको ज्यादा स्पेस देखने मिल जाता है अर्टिगा के कंपेरिजन में। लेकिन अगर आप प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो अगर आपको बजट एकदम मैक्सिमम करके इतना ही चलना है अर्टिगा जितना, तो आप अर्टिगा के ऊपर जाएं, क्योंकि अर्टिगा में आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी स्पेशियस सीट्स देखने मिल जाती है इतने ही प्राइस पॉइंट में। क्योंकि स्कॉर्पियो में आपको ज्यादा जगह तो मिल रही है, लेकिन जब आप लोगों को 4,22,000 रुपए देने भी पड़ रहे हैं तो वो भी बात सोच के आप देखिए, तो आपको दोनों में ही काफी अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अर्टिगा यहां पर काफी स्पेशियस केबिन प्रोवाइड करती है स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो यहां पर आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा में देखने मिलेगा, जबकि 209mm का ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो में देखने मिलता है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ज्यादा ही खराब रास्तों पर जाना है अगर आप लोगों को, जहां पर रास्ते ही ना हो आपकी रनिंग उस जगह पर है, तो आप स्कॉर्पियो को ले तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अर्टिगा में आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो ठीक मिल जाता है, लेकिन व्हील बेस स्कॉर्पियो से ज्यादा है, जिसके कारण कई बार ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ जाता है जहां पर हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां जा सकती हैं। एंड अगर वहां पर अगर आप 180mm सोचकर अर्टिगा को ले जाए तो काफी बार नीचे से टकरा भी जाती है अर्टिगा। इस बात की क्लैरिटी मैं दे देता हूं कि सिटी प्लस हाईवे के साथ साथ आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग अर्टिगा के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ही खराब रास्तों पर रन आपका डेली है तो आप स्कॉर्पियो की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्टिंग कैपेसिटी की। तो यहां पर आपको 45 लीटर का फिल्टिंग कैपेसिटी अर्टिगा में देखने मिलता है, जबकि 60 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलती है। टायर साइज एंड टाइप की बात करूं तो यहां पर स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें स्टील रिम्स देखने मिलते हैं, जबकि अर्टिगा का टॉप मॉडल होने के कारण इसमें अलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं। अगर बात करें साइज की तो स्कॉर्पियो में आपको बेहतरीन साइज देखने मिल जाता है 235/65 R17, वहीं अर्टिगा में 185/65 R15 बहुत ही पतले टायर्स देखने मिलते हैं एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो यहां पर लगभग 16 इंच तो देने चाहिए थे मारुति वालों को, लेकिन उतना ज्यादा बेटर टायर साइज आपको अर्टिगा में नहीं देखने मिलता है। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग एंड वेट ग्रिप में भी ये कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप खरीदते भी हैं इसका ये मॉडल तो प्लीज आप इन्हें थोड़ा सा अपग्रेड करवा ले तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आपको बेहतर टायर्स स्कॉर्पियो में देखने मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों कार्स में डुअल एयरबैग्स देखने मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से सीट बेल्ट वार्निंग देखने मिलती है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट आपको अर्टिगा में देखने मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिल पाता। ब्रेकिंग की बात करें ABS EBD ब्रेक असिस्ट आपको अर्टिगा में देखने मिलेगा, जबकि EBD एंड ब्रेक असिस्ट आपको स्कॉर्पियो में नहीं देखने मिलता। लॉक्स एंड सिक्योरिटी के हिसाब से आपको इंजन इमोबिलाइजर कीलेस सेंटर लॉकिंग अर्टिगा में देखने मिलेगी, जबकि की सेंटर लॉकिंग आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक चाइल्ड शिफ्ट लॉक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अर्टिगा में देखने मिलता है, जबकि मैनुअल AC आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलता है। रेयर AC आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाता है विद हीटर। वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर को ड्राइवर आपको देखने मिल जाते हैं। कैबिन बूट एक्सेस मैनुअल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर आपको दोनों कार्स में देखने मिलेगा। रिवर्स कैमरा अर्टिगा में देखने मिलता है, जो कि स्कॉर्पियो में नहीं देखने मिलता क्योंकि इसका बेस वेरिएंट है। रियर पार्किंग सेंसर्स एंड वही हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर के साथ साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन आपको अर्टिगा में देखने मिलेगा, जबकि मैनुअल की स्टार्ट आपको स्कॉर्पियो देखने मिलता है। टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के साथ साथ 3 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको अर्टिगा में देखने मिलेंगे, जबकि सिंगल 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं स्टोरेज स्पेसेस की, तो यहां पर आपको फ्रंट कप होल्डर्स अर्टिगा में देखने मिलेंगे, वहीं स्कॉर्पियो में कप होल्डर्स नहीं देखने मिलते। ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड थर्ड रो कप होल्डर्स भी आपको अर्टिगा में देखने मिलते हैं, जो कि स्कॉर्पियो में नहीं देखने मिलते हैं। तो यहां पर मेजर डिसएडवांटेजेस स्कॉर्पियो के हो जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं पावर विंडोज की। तो दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज देखने मिल जाती है, साथ ही साथ वन टच ऑपरेटिंग डाउन फंक्शन आपको अर्टिगा में देखने मिलता है, ड्राइवर साइड स्कॉर्पियो में नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM आपको अर्टिगा में देखने मिलते हैं, जबकि रिट्रैक्टेबल फीचर आपको स्कॉर्पियो में नहीं देखने मिलता। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM रेयर डिफॉगर रेयर वाइपर जैसे फीचर्स आपको अर्टिगा में देखने मिलते हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिल पाते। वहीं अगर मैं बात करता हूँ लाइटिंग सेटअप की, तो यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन फॉग लाइट्स अर्टिगा में देखने मिलेंगी, जो कि स्कॉर्पियो में नहीं मिल पाती। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको अर्टिगा में देखने मिलेंगी, जो कि हैलोजन हेडलाइट्स स्कॉर्पियो में देखने मिलती है। फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर भी आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलेगा, जो कि अर्टिगा में नहीं मिलता था। टेल लाइट्स की बात करूं तो दोनों में ही आपको LED टेल लाइट्स देखने मिलती है। फ्रंट एंड रियर केबिन लैंप्स आपको दोनों कार्स में देखने मिल जाते हैं। हेडलाइट हाइट एडजस्टर का फंक्शन भी आपको मिल जाता है दोनों कार्स में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो दोनों कार्स में आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है, जो कि MID यानी
मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ आता है जो कि आपके कार के रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन शो करता है। एंड कहीं ना कहीं अर्टिगा का जो एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रीमियम दिखता है एंड स्कॉर्पियो का थोड़ा सा बेसिक दिखता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं देखने मिलते। अर्टिगा का टॉप एंड मॉडल होने के कारण इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने मिल जाता है जबकि स्कॉर्पियो में बेस वेरिएंट होने के कारण कुछ भी नहीं मिल पाता। एंड अगर आप बात करें इस सिस्टम की तो इस सिस्टम को आप अर्टिगा में एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ साथ यूएसबी ऑक्स एंड ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड की तो वो फीचर भी आपको अर्टिगा में देखने मिल जाता है। हालांकि अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीकर्स देखने मिलते हैं निपॉन के, जिनकी साउंड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी नहीं लगी। तो अगर आप गाने सुनने के शौकीन है तो आपको बिल्कुल अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ वारंटी की, जहां पर मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता मारुति सुजुकी के बारे में। यहाँ पर सिर्फ ऑल्टो वाला मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दिया है जिसे पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा भरोसा है। एंड पता नहीं मारुति सुजुकी वालों को अर्टिगा तो छोड़ो अपने किसी भी प्रोडक्ट पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। सब प्रोडक्ट चाहे वो ऑल्टो हो या फिर इनकी हाई एंड कार्स हो, सभी में 2 साल 40,000 किलोमीटर का वारंटी ऑफर दे देते हैं, जिसके कारण अगर आपकी हाई रनिंग है तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी 6 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद ही लेनी पड़ जाए। स्कॉर्पियो की बात करें तो इसमें आपको 2 साल 75,000 यानी 75,000 किलोमीटर की वारंटी देखने मिल जाती है जो कि अर्टिगा से तो बेटर ही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर वारंटी पैकेज स्कॉर्पियो में देखने मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स की जो कि अर्टिगा एंड स्कॉर्पियो को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। मारुति अर्टिगा की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट टाइप लगेज बोर्ड देखने मिल जाता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर जो कि टिकट होल्डर के साथ आता है, पैसेंजर साइड सनवाइजर देखने मिल जाता है एंड एयर कूल्ड ट्विन कप होल्डर देखने मिलते हैं, जबकि स्कॉर्पियो में हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट, मोबाइल पॉकेट इन सेंटर कंसोल और कैन होल्डर भी देखने मिल जाता है सेंटर कंसोल में स्टैटिक रूफ लैंप के साथ। तो दोनों में ही आपको काफी प्रैक्टिकल एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए ये तो थे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी अर्टिगा की तो एक 7-सीटर एमपीवी है जिससे आप अगर एसयूवी वाले नेचर ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अगर आप एक रगेड एसयूवी चाहते हैं जिससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सके, एक रगेड एसयूवी चाहिए आपके डेली वर्क के लिए, अगर आप खराब रास्तों में आना जाना करते हैं या फिर आपका काम ही उस तरीके का है तो आप स्कॉर्पियो को प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर होगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज की बात करूं तो वो थोड़ा सा टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है स्कॉर्पियो अर्टिगा के कंपैरिजन में। स्कॉर्पियो की बात करें तो एक प्रॉपर 7-सीटर एसयूवी है। अगर आपका बड़ा परिवार है, एक प्रॉपर 7-सीटर एसयूवी चाहिए आपको तो स्कॉर्पियो आपके लिए बनी हुई है। रगेड एसयूवी है जिसे आप विलेज एरिया के साथ साथ हिली एरियाज के साथ साथ सिटी प्लस हाईवे में भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, आपको मॉडर्न एमपीवी चाहिए अर्टिगा जैसी, अगर आपका बजट भी कम है, अगर आपका बड़ा परिवार है लेकिन फिर भी अगर आपका बजट कम है साथ ही साथ आपकी ज्यादा रनिंग खराब रास्तों में नहीं होती तो आप अर्टिगा को प्रेफर करें। एंड स्कॉर्पियो उन्हें लेनी चाहिए जिन्हें एक रगेड एसयूवी चाहिए, ओवरऑल रोड प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो एंड अर्टिगा के कंपैरिजन में जो रोड प्रेजेंस स्कॉर्पियो का है वो अर्टिगा में नहीं दिखने मिलता। वहीं अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं तो अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो के ऊपर जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अर्टिगा कई बार खराब रास्तों में नीचे से लग जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप सिटी प्लस हाईवे के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो अर्टिगा बिल्कुल वो कर सकती है, लेकिन अगर आप रगेड एसयूवी चाहते हैं एंड अगर आपका रनिंग ऐसे रास्तों पर है जहां पर रास्ते ही ना हो, खराब रास्ते हो, गड्ढे बहुत ज्यादा हो, पॉटहोल्स वगैरह हो, तो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। एंड अगर आपका बजट इशू नहीं है लेकिन आपको एक स्पेशियस एसयूवी 7-सीटर एसयूवी चाहिए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो आपके लिए बनी हुई है। एंड अगर मेरी बात करें तो मैं एक वैल्यू फॉर मनी ड्यूल यहां पर चूज करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे काफी अच्छे बेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ फीचर्स मिल रहे हैं। मेरे चॉइस की बात करें तो मैं मारुति सुजुकी अर्टिगा को प्रेफर करूंगा स्कॉर्पियो के ऊपर, क्योंकि मेरा एक पर्सनल चॉइस है, मुझे इतनी रगेड ऑफ रोडिंग नहीं करनी, मैं सिटी प्लस हाईवे के साथ साथ थोड़ा बहुत हिली एरियाज पे जाऊंगा एंड साथ ही साथ थोड़े बहुत खराब रास्तों पे तो अर्टिगा चल ही जाएगी। वहीं अगर आप इसे 4-5 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद अपनी पॉकेट या फिर अपनी रनिंग के हिसाब से इसमें सीएनजी भी लगवाना चाहे तो सिक्वेंशियल किट लगवाकर आप काफी अच्छी तरीके से अर्टिगा को अच्छे लंबे इयर्स तक रख सकते हैं एंड काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी चॉइस आपके लिए स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में होने वाली है, क्योंकि आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ेगी एंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में कम ही है। वहीं स्पेस भी आपको काफी अच्छा देखने मिल जाता है, फीचर्स काफी भर के दिए गए हैं, तो आप डेफिनेटली फीचर पैक्ड 7-सीटर एसयूवी चाहते हैं। अगर आपका खराब रास्तों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको 7-सीटर एसयूवी अपनी फैमिली के साथ चाहिए जो कि ए टू बी पोजीशन पर आपको सेफ तरीके से ले जाए, तो मारुति सुजुकी अर्टिगा स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में एक बेटर चॉइस है। एंड अगर आपको एक रगेड एसयूवी चाहिए, अगर आप ऐसे रास्तों में ज्यादा ट्रैवल करते हैं जहां पर खराब रास्ते हो, रास्ते ही ना हो, साथ ही साथ अगर आप फुल साइज 7-सीटर एसयूवी चाहते हैं तो स्कॉर्पियो आपके लिए एक बेटर चॉइस होने वाली है, लेकिन अगर आपको बजट बढ़ा सके तो नहीं तो आप अर्टिगा के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आया लाइक करना, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एंड किसके फैन है एंड कौन सी लेना चाहेंगे एंड कौन सी आपको पसंद है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड साथ ही साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवीआर पोर्टल।